आशा आपण पाहता डिस्कवरी न्यूज. डिस्कवरी न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. शिवसेना नगरसेवक दया शेट्टी यांच्या प्रयत्नातून व पाठपुराव्यातून मोहणे येथे कोविड लसीकरण केंद्राची सुरुवात करण्यात आली. मोहणे परिसरातून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी मोहणे विभागात लसीकरण केंद्र सुरू करावे अशी मागणी नगरसेवक दया शेट्टी यांनी केली होती. नुकतेच या विभागात कोविड लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्यामुळे येथील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. सदर लसीकरण केंद्र हे शांताराम पाटील मराठी शाळेसमोर सुरू करण्यात आले असून या केंद्राच्या शुभारंभ प्रसंगी नगरसेवक दया शेट्टी, विजय काटकर, प्रताप शेट्टी, प्रवीण गाळा, रोहित उस्मानी व अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती. अप्रभाग क्षेत्र अधिकारी राजेश सावंत यांच्या हस्ते सदर लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. या लसीकरण केंद्रात सेवा सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टीने लायन्स क्लबचे सहकार्य लाभत असून सदर प्रसंगी लायन्स क्लबच्या उपाध्यक्षा माया कटारिया, खजिनदार रमेश कोणकर तसेच सचिव राहुल मिश्रा, डॉक्टर अभिलाषा सिन्हा यांचीही उपस्थिती होती. पार्वतीबाई जाधव या 83 वर्षीय आजींना पहिली लस टोचून या लसीकरण केंद्रात लसीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. NRC स्कूल येथे कोविड रुग्णालय तयार आहे, तेही लवकर सुरू करण्यात येईल अशीही माहिती यावेळी दया शेट्टी यांनी दिली. हम लोग बहुत दिन से KDMC के मेडिकल डिपार्टमेंट कमिश्नर साहब से हम लोग बोले थे कि मोहना में एक सेंटर चाहिए हमको वैक्सीन के लिए, क्योंकि हम लोग ने एक क्वारंटाइन सेंटर भी रेडी किया था NRC स्कूल में, बट बैड लग गया था कि वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है. 319 बेड का हम लोग ने बनाया था NRC स्कूल में, थोड़ा रेडी करके रखा है. उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट किया था कमिश्नर साहब को, और वैक्सीनेशन सेंटर के लिए भी रिक्वेस्ट किया था. तो वहाँ पे हम लोग डॉक्टर शोभा साहब से अगर बात करके, हिमालकर साहब से बात करके जैसे किया, तो उन लोग को थोड़ा हेल्प किया. तो लायंस क्लब की तरफ से हम लोग ने उनको एश्योर किया था आपको जो हेल्प चाहिए हम लोग देंगे लायंस क्लब से. तो चालू तो KDMC ने कर दिया, हम लोग लायंस क्लब उनको हेल्प कर रहे हैं. चेयर्स वगैरह मंडप बिंडप को जितना पार्टीशन है, एक्वा गार्ड है, ये सब लायंस सब मोनेटिट वाला की तरफ से हम लोग ने उनको ये प्रोजेक्ट के लिए हेल्प किया. इधर 45 प्लस है, 45 उनको दे रहे हैं, उनको ही दे रहे हैं. बट जो समझो मेडिकल का हो फील्ड में, या फिर कोई टीचर्स है या गवर्नमेंट के जो एसेंशियल्स वाले हैं, तो उनको उनका पेपर वगैरह सर्टिफिकेट देख के उनको दिया जाता है. थोड़ा तो अवेयरनेस पहले सब पब्लिक व्हाट्सएप पर न्यूज़ देख देख के ये वैक्सीन लेके मर गए, ऐसा नहीं है. अभी वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, बट तुम्हारा ज़्यादा सीवियर नहीं होता है. इसके लिए अभी वो जो पब्लिक के दिमाग में गया, इसके लिए अभी सब लोग लेने चालू किया है. पहला बहुत उल्टा सुलटा मैसेजेस आ रहा था, ये वैक्सीन लेने से तकलीफ होता है ये सब, लेकिन अभी वो सब दूर हो गया है. अभी पब्लिक को पता है, अगर समझो उसके बाद भी हमको मास्क तो लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना ही है, बट अगर कोरोना हुआ तो भी तुम्हारा सीवियरिटी कम होता है और डेथ रेट कम होता है. टोटल 3 दिन में हम लोग 560 लोगों का किया है. पहले दिन 101 किया है, दूसरा दिन 222, तीसरा दिन कल का दिन 237 वैक्सीन हमने ये सेंटर से दिया है. कोरोना होता है और अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हम लोग सब फॉलो करते हैं, और स्टाफ बहुत अच्छा है. KDMC के मेडिकल स्टाफ फुल सपोर्ट करते हैं, पब्लिक बहुत अच्छा काम कर रहा है. एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं किए था हम लोग को, KDMC ने बोला है. तो ये हम लोग लायंस क्लब की तरफ से किए, वो आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर. और शिवसेना का तरफ से ऐसे नगर सेवक तो हम लोग ने स्टार्टिंग से लास्ट मार्च से हम लोग ने बहुत सारा काम किया है. सैनिटाइजर पूरा वार्ड में हम लोग डिसइंफेक्टेंट मारे हैं, 6,000 लीटर्स मारे हैं हम लोग केमिकल्स, और 27,000 मास्क बनाए थे, और कम्युनिटी किचन था, और फूड ग्रेन वगैरह बहुत, और तो टैबलेट्स हैं वो भी हम लोग सब किए थे. और शाखा का तो अभी हम लोग कॉरपोरेशन को तो अपन को सपोर्ट करना ही है, क्योंकि रोड अच्छा बन रहा है, तो आगे सिटी को तो रोड डेवलपमेंट ज़रूरी है. कोई हिसाब से हम लोग ने वार्ड ऑफिसर से हम लोग सामने खड़ा रह के हम लोग खुद के हाथ से हम लोग ने उनको शाखा वगैरह निकाल देते हैं, क्योंकि सपोर्ट करना हमारा काम है. ब्यूरो रिपोर्ट, डिस्कवरी TV न्यूज. तर या होत्या डिस्कवरी न्यूज. तुम्हाला आमच्या संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता. 9388420420. वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस. तोपर्यंत धन्यवाद.